जे हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका और साथ ही रूस का एक बार फिर से आमना सामना देखा जा रहा है। किम जोंग फिर से एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जिसे चीन और साथ ही रूस समर्थन भी कर रहे हैं, जबकि अमेरिका भड़का हुआ है। इसी पर आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। भले ही रूस को यूक्रेन में माकूल कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन पुतिन के इस कथित स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ने दुनिया भर में हालात बदल दिए हैं। 105 दिन पहले पुतिन ने एहसास करा दिया कि जिस परमाणु युद्ध के खतरे को असली नहीं माना जाता था, वो असली है और कभी भी कहीं भी परमाणु बम फट सकता है। दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। टेंशन बहुत ही गहरी है और हर गुजरते दिन के साथ ये तनाव और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। भले ही रूस को यूक्रेन में माकूल कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन पुतिन के इस कथित स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ने दुनिया भर में हालात बदल दिए हैं। 105 दिन पहले पुतिन ने एहसास करा दिया कि जिस परमाणु युद्ध के खतरे को असली नहीं माना जाता था, वो असली है और कभी भी कहीं भी परमाणु बम फट सकता है। दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। टेंशन बहुत ही गहरी है और हर गुजरते दिन के साथ ये तनाव और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इन दो महाशक्तियों के पास दुनिया के कुल परमाणु बमों का 90% मौजूद है। इन दोनों मुल्कों ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद स्टार्ट समझौता किया, जिसके तहत अपने परमाणु बमों को कम करना था। जाहिर है, दुनिया समझती थी कि ये दो मुल्क परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर गंभीर हैं और कभी भी मानवता पर ऐसे महाविनाशक हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन 24 फरवरी 2022 के बाद सब कुछ बदल गया है। पुतिन ने परमाणु असलहों को तैनात करके दुनिया और खासतौर पर इंग्लैंड और अमेरिका को महातबाही की धमकी दी। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक समझी जाने वाली सरमत मिसाइल को लॉन्च करके एक बार फिर दुनिया को पुतिन ने बताया कि उनका मुल्क किसी भी मुल्कों को मिनटों में तबाह कर सकता है। यूक्रेन में महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल किया और शहर के शहर बर्बाद कर दिए। पुतिन ने बता दिया कि उनके मंसूबों के बीच जो भी आएगा ऐसे ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा। पुतिन की इस धमकी ने दुनिया को परमाणु रेस में झोंक दिया। जो पहले से परमाणु संपन्न मुल्क हैं, वो अपनी एटॉमिक पावर को बढ़ाने लगे और जो नहीं हैं, वो परमाणु बम बनाने या फिर उसे पाने की जुगत में लग गए हैं। उत्तर कोरिया 7वां न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया। चीन ने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। दक्षिण कोरिया चाहता है परमाणु तैनाती। जापान ने मांगी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। अमेरिकी परमाणु बम ब्रिटेन में तैनात हुए। रूस परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर परमाणु परीक्षण की तैनाती में है और अमेरिका के मुताबिक वो कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है, क्योंकि उसने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट भी कर चुका है।
उत्तर कोरिया ने इस साल 20 मिसाइल टेस्ट किए, इसमें कम से कम 2 मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल, कुछ मिसाइलें ऐसी जिसे अमेरिका भी समझ न सका। हथियारों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी रह सकता है। किम ने परमाणु ताकत बढ़ाने का निर्णय किया है, 7वां परमाणु परीक्षण कभी भी कर सकता है। राजनीतिक दल की बड़ी बैठक करने वाला है किम, बैठक में परमाणु परीक्षण भी एक मुद्दा हो सकता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के लगातार दबाव बनाने के बावजूद किम जोंग उन रुक नहीं रहा है और न ही बातचीत करने के लिए किसी तरह का कोई इशारा दे रहा है। बाइडेन प्रशासन लगातार किम जोंग उन को बातचीत का न्योता दे रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया की ओर से अगर कोई जवाब आता है तो वो बातचीत के रूप में नहीं आता, बल्कि किसी धमाके के रूप में आता है। इस बीच में अगर संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया पर नकेल कसने की कोशिश की जाती है तो रूस और चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया पर और पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव दिया तो सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों ने ऐतराज जता दिया। इस साल जितनी बार ऐसे प्रस्ताव आए, रूस और चीन ने उसे खारिज कर दिया। नतीजा ये कि किम जोंग उनको शह मिल रही है और वो अब 7वें परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। और दुनिया में परमाणु बम की रेस बढ़ती ही जा रही है और सन की शैतान के परमाणु विस्फोटों से दुनिया दहली हुई है और अब मिडिल ईस्ट में इब्राहिम रईसी परमाणु धमाका करने की तैयारी में भी जुट गया है। रईसी ने ईरान में एटॉमिक एजेंसी के निगरानी कैमरे बंद कर दिए हैं। एटॉमिक एजेंसी के प्रतिबंध के खिलाफ में अब रईसी दुनिया को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, रईसी ने बनाया परमाणु प्लांट। डबल गेम से सुपर पावर हैरान। ईरान ने खोले यूरेनियम के गोदाम। एटॉमिक टेस्ट का जुटाया सामान। दुनिया किम जोंग के परमाणु परीक्षण की तरफ देखती रही। खुद अमेरिका भी किम जोंग के 7वें परमाणु परीक्षण पर नजरें जमाए रहा, किम जोंग को धमकाता रहा, एटॉमिक टेस्ट पर सुपर पावर का दम दिखाने की चेतावनी देता रहा। पूर्वी एशिया में लाल शैतान दम दिखाता रहा और मिडिल ईस्ट में ईरान ने बड़ा गेम खेल दिया। ईरान पूरी दुनिया को झांसा देता रहा, एटम बम से दूरी दिखाता रहा और जमीन के नीचे बेस बनाकर तबाही का प्लान बनाता रहा। रईसी ने खेला डबल गेम। यूरोप को यूरेनियम से दिया जवाब। इब्राहिम रसीदी दुनिया को झांसा देता रहा, अमेरिका से भी परमाणु डील पर बात करता रहा, ये दिखाता रहा कि परमाणु डील फाइनल हो जाए, ईरान पर लगे प्रतिबंध हट जाएं। यूरोपियन यूनियन को झांसा देता रहा, यूरोपियन यूनियन को बता दिया कि परमाणु समझौते के लिए रईसी पूरी तरह तैयार है, लेकिन आखिरी वक्त पर अपनी ढाई चाल चल दी। इजराइल और अमेरिका से डील फाइनल न होती देख ईरान ने परमाणु बम बनाने की धमकी दे दी। परमाणु ताकत बढ़ा रहा रईसी, एटम बम बनाने की शैतानी तैयारी।
ईरान अब नए सेंट्रीफ्यूज बना रहा है, यानी रईसी ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम एनरिच कर लेना चाहता है, तबाही का सामान बनाना चाहता है ताकि सीधे इजराइल से दो दो हाथ कर सके, अमेरिका को सीधे आंखें दिखा सके। ईरान अब नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में दो नए सेंट्रीफ्यूज लगा रहा है। दोनों IR-6 सेंट्रीफ्यूज अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लगाए जा रहे हैं और इनसे अब ज्यादा यूरेनियम एनरिच किया जा सकेगा। रईसी बना रहा यूरेनियम बम, परमाणु विस्फोट से दुनिया भस्म। ईरान की पोल पहले ही खुल गई है। रईसी की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में इंजीनियर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी और अब IAEA ने ईरान पर जो तथ्य रखे हैं वो दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। IAEA का कहना है ईरान ने 3 नए न्यूक्लियर साइट्स बनाए हैं और तीनों ही जगह से इंसानों द्वारा निर्मित न्यूक्लियर पदार्थ मिला है। रईसी ने इन तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स की सूचना को IAEA से छुपा कर रखा। ईरान ने काफी वक्त से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रखी थी। रईसी न्यूक्लियर टेस्ट करने का पूरा सामान जुटा चुका है और किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट कर सकता है। पोल खुलती देख ईरान ने IAEA के निगरानी में कैमरे भी बंद कर दिए, जिसके बाद IAEA की बैठक में ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए। एटॉमिक एजेंसी का ईरान पर बैन, एटम बम बनाने के करीब ईरान। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब ईरान कहीं ज्यादा तेजी से यूरेनियम को एनरिच करेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान यूरेनियम को 60% से ज्यादा एनरिच करने में सफल हो चुका है और परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% एनरिच यूरेनियम के बेहद करीब पहुंच चुका है। रईसी न्यूक्लियर डील पर साइन करने के जरिए प्रतिबंध हटाकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने का डबल प्लान बना रहा था, लेकिन अब पोल खुल चुकी है और दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी हो गई है। रईसी के साथ खड़े दो शैतान, परमाणु हमले का क्वाड प्लान। इसराइल को लंबे वक्त से ईरान पर शक था और इसराइल ने ईरान पर हमला करने की धमकी भी दी थी और अब इसराइल का शक यकीन में बदल चुका है। वियना में हुई IAEA की मीटिंग में वोटिंग के जरिए तेहरान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन यहां भी अमेरिका और यूरोप को झटका लगा। यहां भी दो शैतानों ने मिलकर तीसरे शैतान को बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिनों सन की तानाशाह को बचा लिया था। वियना में IAEA की बैठक में 35 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 30 देशों ने ईरान पर सेंसर लगाने का समर्थन किया। रूस और चीन ने सेंसर का विरोध किया, जबकि भारत, लीबिया और पाकिस्तान ने वोट नहीं डाला। पलटवार करने की धमकी दे रहा तेहरान, एटम बम से दुनिया को करेगा परेशान। IAEA के प्रतिबंधों पर ईरान ने धमकी भी दी है। रईसी ने दुनिया को पलटवार के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो पश्चिम के सामने झुकेगा नहीं। तेहरान का कहना है कि IAEA ने ईरान पर प्रतिबंध लगाकर ठीक नहीं किया है। ईरान के खिलाफ किया गया फैसला राजनीतिक है, सरासर गलत है। ईरान अब दूसरे विकल्प देख रहा है। हम मानते हैं कि IAEA अपने होश में आएगा और ईरान के कोऑपरेशन के साथ कोऑपरेट करेगा। इधर ईरान में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर खतरा मंडरा रहा है। इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई और ये सब कुछ देश में बढ़ रहे एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट्स के चलते हुआ। अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हुए हमले में 3 लोग घायल हो गए, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और धुआं निकलता हुआ भी देखा गया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं परमाणु पावर वाले महाबली। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास में परमाणु हथियार है और रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। और साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के पास में परमाणु हथियारों की एक बड़ी तादाद है और एशिया में चीन और साथ ही नॉर्थ कोरिया के पास में भी परमाणु बम है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम, इसराइल के पास भी परमाणु हथियार है और परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है ईरान और साउथ कोरिया। और इसके अलावा जापान ने अमेरिका से भी एटम बम मांगे हैं। तो और अभी के लिए फिलहाल इतना ही।